अम्बाला के गांव बलाना में एक ही परिवार के 6 लोगों की आत्महत्या का मामला गर्माता ही जा रहा है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में पुलिस सिर्फ एक आरोपी बालकिशन ठाकुर को ही गिरफ्तार कर पाई है। वहीं दूसरा आरोपी कवि नारुला अभी भी फरार चल रहा है। वहीं इस मामले में बालकिशन की गिरफ्तारी को लेकर मृतकों के परिजन और ग्रामीण पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि आरोपी को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसके साथ ही इसमें राजनीतिक हाथ होने की वजह से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। जिसमें 6 जाने हमारी चली गई, हमारा बच्चा, उसकी बहू, उसकी 2 बेटियां, उसके पिताजी, उसकी माताजी, तो इसमें जो है उस व्यक्ति ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें 2 व्यक्तियों के स्पष्ट नाम लिखे हैं और उनके खिलाफ पुलिस कोई जांच नहीं कर रही, उनका कोई पुलिस रिमांड नहीं मांगा गया, उसको सरकारी मेहमान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है। इस जांच से असंतुष्ट होके हम आज इस मांग को लेके SP साहब से मिलने पहुंचे हैं कि इसमें विशेष कार्रवाई बल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की गठित करके इसकी जांच करवाई जाए, वरना इस पुलिस से हमें कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। और उस व्यक्ति के पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक हाथ बताया जा रहा है, इसलिए उसके पैसा और सिफारिश दोनों चीजें काम कर रही हैं। हम इस मांग को लेके पहुंचे हैं कि उसके राजनीतिक सूत्रों की भी जांच की जाए, उसके फोन की जांच की जाए, उसके किस किस राजनेता से संपर्क है, सब सत्य जो है वो जनता के सामने आना चाहिए। जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आती हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है, और आगे इसके लिए अगर कोई धरना प्रदर्शन, कोई रोड जाम की स्थिति आती है तो उसके लिए अम्बाला का पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। दरअसल कल कोर्ट में आरोपी बालकिशन ठाकुर को पेश करते वक्त वो फोन पर बात करते हुए दिखाई दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजन पुलिस की कार्रवाई पर शक कर रहे हैं। वहीं इस मामले में नामजद कवि नारुला के भाई को पुलिस पकड़कर ले गई थी, जिसे बाद में छोड़ दिया गया था, जिसे लेकर ग्रामीण SP से मिलने पहुंचे। आज SP साहब से मिलने आए थे, क्यों? जो कि प्रशासन की कार्रवाई थी उससे हम परिवार और पूरे गांव वाले असंतुष्ट थे। कल जैसी वीडियो सामने आई थी कि बालकिशन ठाकुर को बैठने के लिए कुर्सी दी जा रही है और करने के लिए फोन दिया जा रहा है, तो उसे मतलब VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और दूसरा मुद्दा था हमारा, जो पवन नरुल्ला को पकड़ा है भी, उसको अगर उसका गुनाह नहीं था तो उसे पकड़ा क्यों, अगर पकड़ा था तो उसे छोड़ा क्यों? तो उसके बारे में SP साहब ने बताया कि पवन नरुल्ला इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। जिस टाइम कवि नरुल्ला को उठाने गए थे वो घर पर मिला, उसके भाई को हमने वैसे ही उसे पूछताछ के लिए कि तेरा भाई कहाँ है, इसलिए उठाया था। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डालकर उसको मतलब छुड़वा ले गए। वह इस मामले को लेकर गांव में पंचायत की गई, जिसमें SP से मिलने की सलाह की गई, जिसके बाद ग्रामीण मामले को लेकर SIT जांच बिठाने के लिए SP के पास पहुंचे। तो वहीं ग्रामीणों की मांग पर पुलिस ने SIT टीम का गठन कर दिया है। आज बलाना की पंचायत ने मेरे को मिली थी और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक SIT का गठन किया, जो एक ये बहुत ही बड़ी दुखदायी जो घटना हुई है इसके पूरी गहनता से ताकि जांच की जा सके। DSP सिटी जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में ये SIT का गठन किया गया और साथ में इसके CIA और SHO कंसर्न जो है वो रहेंगे, और हमारा प्रयास है कि इसके केस के अंदर पूरी हर पहलू के ऊपर हर एंगल से हम तफ्तीश करें और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी इसमें सामने आते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि बालकिशन ठाकुर को VIP, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बालकिशन का 3 दिन का पुलिस रिमांड हमने मांगा था, लेकिन कंसर्न्ड कोर्ट ने रिमांड नहीं दिया। ये कोर्ट का मतलब मैंडेट है, ये पुलिस की हमने जो भी हमारे तथ्य थे हमने सारे वहां पे रखे, लेकिन कोर्ट ने उसको डिनाई किया। बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपी बालकिशन ठाकुर को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। अब पुलिस दोबारा रिमांड मांगने की बात कह रही है। बहरहाल पुलिस ने SIT टीम का गठन तो कर दिया है, अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या सामने आता है और इस मामले में कब तक दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी होती है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।